ऑलराइट फोक्स, सो दिस इज योर होस्ट सौरभ फ्रॉम सैंस क्लासिक पार्ट्स। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एक बार फिर से ले आए हैं जाओ 42 बॉबर ब्लैक मिरर आप लोगों के सामने, और दिखाने वाले हैं उसके अंदर इन डेप्थ एक कंप्लीट मॉडिफिकेशन किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या चीजें उस मोटरसाइकिल के ऊपर हमने इंस्टॉल की है, किस तरीके से उसकी कंप्लीट लुक आ रही है और कैसे वो बन सकती है एक फुल पैकेज, एक सिंगल सीट से एक डुअल सीट के सफर तक बॉबर 42 किस तरीके से पहुंचती है, इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को पता चलेगा। साथ ही साथ ऑर्डर प्रोसीजर बड़े सिंपल रहते हैं हमारे सभी वीडियोस के अंदर। एक चीज मैं हमेशा कॉल आउट करता हूं, ऑर्डर करने के लिए आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है या फिर हमारे स्टोर पे विजिट करना है और घर बैठे ही चीजें आप मंगवा सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे लग गई है हेडलाइट ग्रिल हमारी जावा 42 बॉबर के ऊपर। डायरेक्ट फिट है, माइल्ड स्टील मेटल फ्रेम की बनी हुई है, किसी तरीके का इशू नहीं आता फिटमेंट में। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऊपर के सेक्शन में यहाँ पर कंप्लीट एक वाइजर लगाया है जिसके ऊपर हमने ब्लैक रैपिंग करी है ताकि एक स्मोक फिल्म वाला एक अफेक्ट क्रिएट हो सके। वाइजर्स ट्रांसपेरेंट और ब्लैक कलर में आते हैं, स्मोक फिल्म भी आप इस पे लगवा सकते हो और डायरेक्ट फिट हो जाते हैं, किसी तरीके के जुगाड़ की जरूरत नहीं है। सभी के सभी प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर पे अगर आप आएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल किए जाएंगे या फिर ऑनलाइन ऑर्डर पे आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज भी दी जाएगी। हमारी तरफ से एक मैकेनिक आपको वीडियो कॉल करेगा और आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा किस तरीके से इसे फिट करना है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो रेडिएटर की तरफ, यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल लगाई गई है। अब ये रेडिएटर ग्रिल सेट ऑफ 3 प्रीवियस वाले वर्जन्स के लिए आती थी लेकिन इस पर्टिकुलर बाइक के ऊपर भी लगा दी गई है, लेकिन ये OBD2 मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट फिट मिल जाएंगी। पेराग बॉबर जैसे पहले पेराग आती थी तो वही वाली रेडिएटर ग्रिल यहाँ पे लगा दी गई है, लेकिन आपको डायरेक्ट फिट रेडिएटर ग्रिल हमारे स्टोर पर मिल जाएगी। क्रैश गार्ड की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमी वर्जन ऑफ क्रैश गार्ड यहाँ पे लगा हुआ है नायलॉन के स्लाइडर्स के साथ में, डायरेक्ट फिट है, किसी तरीके के जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि आपको प्रीमियम वाले क्रैश गार्ड हमारी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स रहते हैं, नायलॉन के स्लाइडर्स के साथ आते हैं और 6 मंथ्स की पाउडर कोटिंग की गारंटी और 2 ईयर्स की वेल्डिंग की वारंटी भी मिलती है। अब आएंगे हम टॉपर कवर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का टॉपर कवर लग गया है, अगेन जावा की ब्रांडिंग के साथ आता है, एक बेसिक प्रोडक्ट है, ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट फिट हो जाता है, किसी तरीके का इशू नहीं आता है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज में आपको टॉपर कवर मिल जाता है। बेसिक मोबाइल होल्डर चाहते हैं तो यहाँ पर 200 रुपए में एक मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, सेम मोबाइल होल्डर 200 में आता है, विद चार्जिंग अगर आप लेना चाहेंगे तो 250 में भी आपको ये इजीली मिल जाएगा। हालांकि इस बाइक के अंदर चार्जिंग की फैसिलिटी दी गई है इसलिए आप बेसिक मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं अगर आपकी कभी कभी यूज है, लेकिन अगर आप बेटर वर्जन चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4000 की रेंज तक भी मोबाइल होल्डर हमारे स्टोर पे मिल जाते हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक बोबो, सिमटेक, ग्रैंड पिट स्टॉप भी हमारे स्टोर पे अवेलेबल होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट की, विच इज दी कस्टम सीट। अब यहाँ पर लग गई है सैंस की ब्रांडिंग के साथ ओरिजिनल सैंस की डुअल बॉबर सीट, जो कि पूरे एक फ्रेम के साथ में आती है। लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ ये सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिनके अंदर हम आपको अनकंडीशनल वारंटी देते हैं कि ना तो ये बेंड होगी ना ये टूटेगी। जस्ट इन केस कभी भी ऐसा होता है और आप सैंस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो अपने डीलर से आप फ्री रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकते हैं। सेम कलर के फैब्रिक्स हम यूज करते हैं, सेम काइंड ऑफ कुशनिंग यूज करते हैं, बट जस्ट ए वर्ड ऑफ कॉशन, फ्रंट की सीट में मेमोरी फोम होता है, पीछे डनलॉप का फोम होता है। कंफर्ट वाइज फ्रंट की सीट हमेशा बेटर होती है, बट रियर की सीट भी एक अच्छी खासी ब्रॉड सीट है और आपको पर्पस के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है अच्छे से। बैकरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइल्ड स्टील मेटल प्लेट्स वाला बैकरेस्ट लग गया है, सेम फैब्रिक के साथ बॉबर की कलर मैच करते हुए, बॉबर की सीट का कलर मैच करते हुए यहाँ पर फैब्रिक लग गया है। नट बोल्ट्स की फिटिंग जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इजिली आपको 2 नट बोल्ट्स के साथ में ये बैकरेस्ट फिट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। पहले हमारे पास एल्यूमिनियम के फ्रेम्स वाले बैकरेस्ट हुआ करते थे लेकिन उनमें काफी इश्यूज आते थे, हमने उन्हें डिसकंटिन्यू किया और माइल्ड स्टील के बैकरेस्ट को लॉन्च किया। लग गए हैं बैकरेस्ट। अब चलते हैं थोड़ा नीचे के सेक्शन में। रियर फुटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे लग गया है क्योंकि एग्जॉस्ट के ऊपर पैर टच होने का जो प्रॉब्लम आता है वो इससे सॉल्व हो जाता है, एक ब्रॉड आपको प्लेट मिल जाती है ताकि किसी तरीके का इश्यू आपको ना आए। डायरेक्ट फिट है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली 800 to 900 के प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर पर या हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है। अब बात करते हैं सैडल स्टे की। सैडल स्टे यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट ऑफ 2 में सैडल स्टे हमने यहाँ लगाया है, लेफ्ट एंड राइट में लगाया है। पीछे से अगर आप लुक देखेंगे तो बाइक की थोड़ी सी ब्रॉड लुक हो जाती है। इसी के साथ में एक सेट ऑफ 3 सैडल स्टे भी आता है जिसमें लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप सेक्शन रहता है। तो अगर आप सिंगल सीट राइड करते हैं तो आप सेट ऑफ 3 लगा सकते हैं, इसके ऊपर एक बैग डाल सकते हैं और अपनी नेक्स्ट राइड को बेटर बना सकते हैं, ट्रैवल करना थोड़ा इजी हो जाएगा, बाइक के ऊपर बैग्स भी लग जाएंगे, किसी तरीके
रखिएगा, इशू भी नहीं आएगा। बैग्स की अगर मैं बात करूँ तो बैग्स भी हमारे स्टोर पे मिल जाते हैं 1500 से लेकर 7000 की रेंज में। अलग अलग ब्रांड्स के सैडल बैग्स हमारे स्टोर पर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बात करते हैं अब इस बाइक की प्रोटेक्शन की। सो पेंट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 लेयर लैमिनेशन इस मोटरसाइकिल पर हो रखी है। छोटे छोटे स्क्रैचेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे के सारे लैमिनेशन के ऊपर है। फर्स्ट डे ही लैमिनेशन करा ली थी कस्टमर ने, जिसकी वजह से आज उनका टैंक बिल्कुल बचा हुआ है किसी भी तरीके के स्क्रैचेस से। क्योंकि जितना मर्जी आप ध्यान रख लें बाइक का, स्क्रैचेस लगेंगे। दिल्ली जैसी सड़कों में या किसी भी मेट्रो में या इंडिया किसी भी कोने पे आप बाइक चला रहे हैं, आपकी गलती हो या ना हो लेकिन किसी और की गलती से बाइक को नुकसान हो सकता है। उसको बचाने के लिए आप लैमिनेशन करवाएं, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कराएं। जैसा आपका बजट है, जितनी लाइफ आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप करा सकते हैं। लैमिनेशन या 3 लेयर लैमिनेशन की अगर मैं बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर 3500 की रेंज में हमारे स्टोर पर हो जाती है। PPF की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 से लेकर 8000 की रेंज में पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी लगाई जाती है। सो कंप्लीट मॉडिफिकेशन आज आपने जाओ 42 बॉबर की देखी, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1x1 की क्या क्या इस मोटरसाइकिल में काम हो रखे हैं। राइडिंग प्लेजर को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ चीजों को मॉडिफाई करना पड़ता है, कुछ कुछ चीजें चेंज भी करनी पड़ती है मोटरसाइकिल में, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जिस तरीके की बाइक बनाता है वो सर्टेन गाइडलाइंस के अंडर बनाई जाती है। उन गाइडलाइंस के तहत कभी कभार कंफर्ट नहीं आ पाता, कभी कभार मजा नहीं आ पाता, तो कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती है। दो चीजों के ऊपर मैं खास ध्यान ले जाना चाहूंगा आपका। यहाँ पर लगाई हुई है कस्टम फॉग लाइट्स। तो फॉग लाइट्स यहाँ पे HJG की फॉग लाइट्स लगी हुई है जो डुअल कलर कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं। क्विकली आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको एज यूजुअल मिलता है येलो, ऑन ऑफ का एक बटन लग जाता है, टू वे बटन लग जाता है, तो आपको यहाँ पर येलो कलर का फॉग लाइट का इल्यूमिनेशन नजर आएगा। 80 वॉट की ये फॉग लाइट्स हैं, 40 वॉट ईच रहती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं व्हाइट कलर, सामने का इल्यूमिनेशन अभी नहीं दिखाएंगे लेकिन अच्छी खासी इसकी थ्रो है इन पर्टिकुलर फॉग लाइट्स का। और भी जो एक्सेसरीज लगी हैं इस मोटरसाइकिल पर उसका फीडबैक स्ट्रेट हम कस्टमर से लेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे मैं आपको सुमित जी से मिलवाऊंगा जो है इस बाइक के प्राउड ओनर। बात कर लेते हैं एक बारी क्विकली जो यहाँ पर एक क्रोम एक्सेसरी लगी है उसकी। तो ये आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल स्पीकर्स, जो कि आपने हार्ले डेविडसन, होंडा की सुपर बाइक्स में या फिर होंडा की क्रूजर बाइक्स में आपने देखा होगा। कभी कभार फेयरिंग के अंदर भी ये लगे रहते हैं, वहां भी आपने देखे होंगे। लेकिन अब आ गए हैं हमारी अपनी जावा 42 बॉबर के लिए कस्टम स्पीकर्स, जो कि डायरेक्ट फिट हो जाते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। फटाफट सुन लेते हैं इनकी आवाज, इसको हम करेंगे क्विकली ऑन। सो ऑन करते ही आपने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना है, और यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है लेकिन कनेक्शन बड़ा ईजी है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपने देखे कस्टम स्पीकर्स मोटरसाइकिल्स के, जो हमारे स्टोर पर अवेलेबल हो जाते हैं। किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती फिटमेंट में, 6 मंथ्स की वारंटी के साथ आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8000 के प्राइस रेंज में रहते हैं। इसी तरीके के स्पीकर्स हमारी अपनी स्टोर की जो बॉबर है उस पर भी लगे हुए आपने देखे हैं, जो कि ब्लैक कलर में हमने लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने क्रोम वर्जन देखा, तो अगर 42 बॉबर है और क्रोम कलर कुछ चाह रहे हैं तो आप ये कस्टम स्पीकर्स ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या हमारे स्टोर से। चलिए अब मिलते हैं हमारी जावा 42 बॉबर के प्राउड ओनर से, तो बुलाते हैं सुमित जी को। वेलकम सुमित जी, क्या हालचाल? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया जी, बढ़िया सर। बहुत अच्छा लगा कि आज आप एक बार फिर से हमारे स्टोर पर आए। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आपको इस बाइक को रखे हुए कितना टाइम हो गया है और कैसा आपका राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। राइडिंग एक्सपीरियंस वेरी गुड, बट रखे हुए अभी 2 ही महीने हो, ज्यादा नहीं हुए, बट जब से मॉडिफिकेशन कराई है लुक्स नाइस। एंड मॉडिफिकेशन के बाद लोग देखते हैं रोड पे जाते हुए कि हाँ कुछ जा रहा है। तो रोड पे जब आप निकलते होगे तो एक बार मुड़ के जरूर देखते होंगे लोग। सर आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो मर्सिडीज में बैठने वाला भी पीछे मुड़ के जरूर देखता है क्या निकल गया, क्या बात है। और मैंने देखा आपने स्पीकर लगा रखे हैं तो बहुत मजा आता होगा मतलब राइड करते हुए। तो सर बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अनयूजुअल एक्सपीरियंस है इसका। बाकी मैंने बहुत लंबी लंबी राइड भी की है इससे, केदारनाथ बद्रीनाथ तक मैं गया हूँ, बट लेकिन लोग बहुत बहुत मजा आता है इसको चलाने। तो मतलब आप में से जितने भी लोगों का डाउट है कि ये लॉन्ग राइड पे नहीं जा सकती बाइक, तो अपने मन से ये बातें निकाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, राइडर में दम होना चाहिए, बाइकें तो सारी पहुंच जाती हैं। और यहाँ पर है मेरे साथ सुमित जी। एक बार फिर सर थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे स्टोर पर आए, बहुत अच्छा लगा मिलके। और इसी तरीके से आप कोई भी बाइक लें आप हमेशा हमारे पास आते रहिएगा। थैंक यू सर। सो ये थे सुमित जी जो है इस बाइक के प्राउड ओनर, जिन्होंने हमें एक मौका दिया अपनी बाइक पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करने का। यही आप लोगों का प्यार है और विश्वास है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं लाइफ में। मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन अच्छा काम करेंगे तभी लंबे दूर तक जाएंगे। लेकिन अगर लोकल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या नॉन वारंटी वाले प्रोडक्ट में डील करेंगे तो ये काम कभी भी खत्म हो सकता है। तो मैं आप
आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट करें हमारे ब्रांड पे और एक बार स्टोर पे विजिट करें या वेबसाइट पे विजिट करें और खुद चेकआउट करें कि क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो यार आज के सुपर वीडियो में आपने देखा जावा 42 बॉबर की कस्टम मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने फुल ब्लोन मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकती है बाइक के अंदर आपको बताया। सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे अवेलेबल है या आप हमारी वेबसाइट से जाके उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी मोटरसाइकिल की कैसी भी मॉडिफिकेशन के लिए एक बार सैंस क्लासिक पार्ट्स पे विजिट जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको काफी अच्छा लगेगा। जाते जाते एक ही बात कहूंगा, जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें आपके अपने स्टोर को सैंस क्लासिक पार्ट्स।